ड्रैग रेस में पीछे कर देगा। हेलो मुंडवार, आज हम करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी का पूरा एक्सपीरियंस। ये एक इलेक्ट्रिक कार है पूरी तरीके से, आप इसके नंबर प्लेट देख के पहचान सकते हैं। जिस गाड़ी पे आपको इस तरीके की नंबर प्लेट मिलती है, यानी कि ग्रीन ऊपर अपना वाइट में एक्सेल लिखे हों, इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी इंडियन मार्केट में बात करते हैं तो जो बजट की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सबसे पहले नेक्सॉन ईवी है, उसके बाद एमजी की जेड एस ईवी करके आती है, उसके बाद ह्युंडई कोना है, फिर वो हाई सेगमेंट की चली जाती हैं जो बाकी की कार्स हैं, और कुछ वैसी भी हैं जो टैक्सी वगैरह में चलती हैं। तो आज हम टाटा नेक्सॉन का पूरा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं राहुल भाई से, जो कि इसको ऑन करते हैं और ये गाजियाबाद से इसको लेकर आए हैं करीबन 100 किलोमीटर दूर से। तो सबसे पहले भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो और आपका वेलकम है अपने चैनल पे। थैंक यू भाई अरुण भाई। जी भाई, मेरा इंट्रोडक्शन तो क्या है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पिछले 8-9 साल से जॉब कर रहा हूँ। सो पिछले 8-9 साल से मैं सोचा था कौन सी गाड़ी लूँ, बट डेली का पोल्यूशन लेते हुए कभी खुद की गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। और उस टाइम ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इलेक्ट्रिक जो कि मैं ले सकूँ। सो मैंने पैसे बचाने शुरू किए और फिर मैंने सोचा कि जो इलेक्ट्रिक कार ढंग की आएगी वही लेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट कार थी? हाँ, ये मेरी फर्स्ट व्हीकल है, इवन के आई डोंट हैव बाइक। अच्छा, तो मतलब आपको फिर पेट्रोल और डीजल जैसे चलते उनका एक्सपीरियंस मालूम है फिर भाई आपको? हाँ, एक्सपीरियंस चलाया नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ड्राइविंग के लिए जो भी सीखना होता है उतना ही सीखा है। तो आपने सीखी इसी पे थी या किसी और व्हीकल पे सीखा था? किसी और व्हीकल पे, वैगन आर पे सीखा हुआ था। अच्छा, तो मतलब चला रखा है आपने? हाँ, चला रखा। तो एक बार हम पहले आपको लुक दिखा देता हूँ। ये भाई नेक्सॉन ईवी है अपना, कौन सा वेरिएंट है भाई? ये एग्जेट प्लस है। एग्जेट प्लस जो टॉप वेरिएंट है? नहीं नहीं, टॉप से नीचे एग्जेट प्लस। हाँ। लक्स है टॉप वेरिएंट, बीच वाला है ये। सनरूफ वाला है ये। अच्छा, तो इसमें 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के आप सनरूफ भी ले सकते थे। हाँ। तो ये वो वाला वेरिएंट है, इसमें वो है ना सीट कवर जो लेदर इट आती है, इसमें नहीं आती, टॉप में आती है। अच्छा, मिड वाले में नहीं देते हैं। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, ये 15 लाख वाला होगा एक्स्ट्रा। तो ये देखो भाई, आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे अपना ब्लू कलर में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे दिया गया है काम करके टाटा ने। पीछे से भी अगर आप बात करते हैं तो ये रेगुलर नेक्सॉन सी लगती है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे टच दे रखा है, जैसे ब्लू का यहाँ पे जिप्ट्रॉन लिखा गया है, यहाँ पे ईवी लिखा गया है। बाकी अलॉय व्हील्स देखो आप, डिजाइन देखो, पूरा आपको जो रेगुलर अपना पेट्रोल या डीजल वाली नेक्सॉन है वही आती है। तो कब ली थी भाई आपने ये? ये मैंने ली थी मिड नवंबर में, नवंबर 2020 में आपने ली थी। हाँ। तो कितनी की पड़ गई थी आपको ये? मुझे डेली में ऑन रोड पड़ी थी 16 लाख की। 16 लाख की। अभी हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत ऑफर चलाती रहती है इसके ऊपर कि भाई किसी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी में 50% अपने आरटीओ पे ऑफ होता है। तो आपको कितना मिला कुछ ऐसा? हाँ, 1.5 लाख गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली और आरटीओ का पैसा बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, तो 16 लाख जो था गाड़ी की प्राइस प्लस इंश्योरेंस ओनली, बस इसमें ये लगता है, आरटीओ वगैरह कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। जो 1.5 लाख की सब्सिडी थी वो कैसे एक्सशोरूम प्राइस पे आई? हाँ, तो 1.5 लाख की सब्सिडी आई तो मेरा 14.5 पड़ गया। 14.5 लाख की आपको नेक्सॉन ईवी पड़ी है। तो भाई इस गाड़ी में ना कोई अपना पेट्रोल इंजन ना कोई डीजल इंजन, ओनली इसके अंदर अपना एक आती है इलेक्ट्रिक बैटरी और उसके अंदर एक मोटर जो इसको खींचती है। इंटीरियर भी अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मल अपना रेगुलर वही आता है। अभी आप इसको कितनी चला चुके हो भाई? 5,000। तो 5,000 आपने चला दिया है, तो भाई को पूरा एक्सपीरियंस हो गया भाई इंडिया में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना प्रैक्टिकल है लेना अभी 2021 में, उनकी बात कर लेते हैं। प्लस इसमें अम्ब्रेला होल्डर आता है तो भाई ने बहुत सही प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर रखा है। तो भाई अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है मन में। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या है एग्जैक्टली। सो शहर में अभी देखो मैं अरुण भाई के पास आया हूँ, आराम से चला के आया हूँ, एसी फुल टाइम चला के आया हूँ, तो अभी गाड़ी बची हुई है 56%। टोटल 56% में मैं 100 किलोमीटर अरुण भाई के पास आया हूँ, तो रेंज आप मान के चलो शहर में 200 और 220। अच्छा, विथ एसी गर्मियों के दिनों में, ठंड में एसी उसी नहीं चलाओगे तो 230-240। अच्छा, और अगर हाईवे पे चलाते हो जहाँ की बहुत ज्यादा ब्रेकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सलेशन नहीं है, आराम से चलाओगे तो 270 भी आ जाती है। भाई सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी तो क्लेम करती है कुछ 321 के लगभग, 312 किलोमीटर, और अपना रियल लाइफ में हम बता रहे हैं 230। हाँ भाई, यही है। तो आप ये देखो, कोई भी जैसे पेट्रोल व्हीकल भी है, कंपनी क्या क्लेम करती है कि 21 किलोमीटर पर लीटर आता कितना है, 15-14। वही हाल है। तो इस पे भी केस वगैरह भी हुआ था कि अपना टाटा नेक्सॉन 200 से ऊपर नहीं जा रही, एक बंदे ने केस भी फाइल करा था, उसके ऊपर क्या विचार है भाई? अलग अलग बंदों का देखो ड्राइविंग पैटर्न अलग अलग है। जैसे मान लो पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करूँ, मान लो इंजन स्टार्ट किया और केवल 2 किलोमीटर गए भाई आप, तो क्या पर किलोमीटर क्या पड़ेगी? तो उसमें आप देखोगे कि अगर
कंपनी ने 20 का क्लेम किया है तो वो 10 ही आएगी अगर केवल छोटा किसी का ना रनिंग हो तो ऐसी इसके साथ है। अगर मैं केवल 4 या 5 किलोमीटर रनिंग करूँ तो मेरी 2 से 3% बैटरी चली जाएगी क्योंकि इंजन स्टार्ट होने में बाकी कार की तरह इसका भी जाता है। तो भाई जब आपने सोचा था कि कार लेनी है तो ये पक्का था इलेक्ट्रिक ही लूंगा? हाँ भाई, आज से 4 साल पहले मैंने सोच लिया था कि नॉर्मल कार लेनी नहीं है। 14.5-15 में तो आपको खूब बढ़िया किया क्रेटा, हाँ, ये नॉर्मली जो आ रही है अपना फीचर लोडेड ये मिल सकती थी। तो मेरे 2 क्राइटेरिया थे लेने के, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरा था कि रेंज कम से कम 200 आ जाए कैसे भी। ये दोनों क्राइटेरिया पे सही था और प्लस एक बैक ऑफ द माइंड था कि यार 5-स्टार रेटिंग वाली कार चाहिए, तो नेक्सॉन के लिए पूछने वाली बात तो है नहीं। सो एक ये मेजर रीजन भी हो जाता है। बाकी अब मेन बात करते हैं भाई, ये चार्जिंग कितना अपना चार्ज होने में कितना टाइम ले लेती है? ये घर पे अगर चार्ज करोगे तो मान के चलो घंटे के 10% चार्ज होती है। एक घंटे में 10% चार्ज होती है घर पे। आपका कहने का मतलब है जो 3 पिन का अपना नॉर्मल सॉकेट होता है 15 एम्पीयर का जो सॉकेट, उसको आप चार्जर को दिखा सकते हो एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने चार्जर भी कैरी कराया तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सॉकेट दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, अभी नॉर्मल अपनी जो कार्स होते हैं भाई उनमें हम यहाँ से पेट्रोल डीजल भरते हैं। हाँ, यहाँ से हम पेट्रोल डीजल भरवाते हैं लेकिन इसमें पेट्रोल डीजल का हिसाब नहीं है, यहाँ से हम इस कार को चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हमको ऐसे हटाना पड़ेगा, ये होती है इसका चार्जिंग वाली पिन, जैसा फ़ोन वगैरह का होता है ना USB-C वगैरह ऐसा करके, तो इसका ऐसे इसमें आता है चार्जर। इसमें सारा कुछ देते हैं, स्टपनी हो गई, अपने टूल किट हो गए, सारा कुछ अपने टाटा की तरफ से मिलता है भाई। जिसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये ऐसा चार्जर है भाई, ये एक बार लगाओ भाई इसमें कैसे दिखाएगा। और इसमें भाई इंडिकेशन इसी में आती है क्या? हाँ, इसी में LED लगी हुई है। हाँ, इसी में बताता है कि कितना चार्ज हो रही नहीं हो रही है। अच्छा, ये दोनों ब्लू जलेगी और ये वाली ब्लिंक करती रहेगी। अच्छा, कोई एरर होगी तो यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ रेड हो जाएगा। आज तक आया कोई एरर नहीं? ऐसा कुछ खास एरर नहीं आया। तो इसको ऐसे जस्ट लगा देना है भाई अपने को, बस हो गया डन। ये और अपना ये जो होता है ये नॉर्मल 15 एम्पियर 16 एम्पियर वाला सॉकेट है। हाँ, कोई टेंशन नहीं। तो आप जैसे बता रहे हो एक घंटे में 10%, यानी कि ये 10 घंटे लेगी 100% चार्ज होने में। तो 10 घंटे में फिर ये चलेगी 220-230। तो एक रात मतलब पूरी रात आप इसको लगा देते होंगे चार्जिंग के लिए? एक ये है ना कि 0% से तो कोई स्टार्ट करेगा नहीं। हाँ, आपकी गाड़ी 10% 20% पे घर पे आएगी, 7-8 घंटे तो आप सोते ही हो। हाँ हाँ, और मेन मजा आता है तब जब आप नीचे वाला खोलते हो। देखो इसमें नीचे वाले में क्या है, फास्ट चार्जर? ये फास्ट चार्जर। अच्छा, ये चार्ज हो जाती है 1 घंटे में 80%। 1 घंटे में 80? आज तक करिए आपने फास्ट चार्जर? हाँ, ये गाड़ी मोहाली होके आई है तो कम से कम 5 से 6 बार हमने फास्ट चार्ज करा हुआ है। कहाँ पे मिलते हैं फास्ट चार्जिंग? फास्ट चार्जर जगह जगह पे है, अभी गनौर में है फास्ट चार्जर, फिर आपके मोहाली के IOCL के पेट्रोल पंप में भी है फास्ट चार्जर। पेट्रोल पंप पे मिलने लग गए हैं ये? एग्जैक्टली। और कहाँ पे मिलते हैं भाई ये? टाटा शोरूम में मिलते होंगे? टाटा शोरूम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। हाँ हाँ, हर मतलब सारे पे नहीं है, आप मान के चलो अभी के डेट में पूरे इंडिया में 10% टाटा के ऐसे शोरूम है जिनने फास्ट चार्जर लगा रखा है। तो भाई जैसे अब आप इसको रात भर आप बता रहे हो चार्जिंग पे जैसे आपने लगा दी, हाँ भाई, तो बिजली के बिल में कितनी बढ़ोतरी हो गई? बिजली के बिल में ये मानो इसमें 30 किलोवाट की बैटरी है तो 30 किलोवाट आपकी बिजली जाती है, 30 यूनिट। 30 यूनिट एक रात के? एक रात के अगर 10 घंटे चार्ज होती है तो। और 30 यूनिट के हिसाब से अगर 7 रुपये पर यूनिट भी माने तो 210 रुपये हर रात का होता है अपना, और अपना 210 में फिर ये 200-250 किलोमीटर चलती है। राइट, CNG से सस्ती पड़ी भाई ये तो। ऐसे बिल्कुल तो। बिल्कुल, सो 200 रुपये में आपके 200 किलोमीटर चली जाती है। हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है भाई ये, तभी भाई ने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है लिया। भाई ये व्हीकल उनके लिए, जहाँ तक मैं सही समझता हूँ, उनके लिए जो अपना कम रनिंग है जिनकी, हाँ जिनकी शहर में ज़्यादा रनिंग है उनके लिए बेस्ट है। जैसे आपकी शहर में रनिंग है, हाँ, जैसे डेली ऑफिस जिसको जाना है मान लो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, या सबसे अच्छा है उनके लिए जो सपोज करो गुड़गांव से नोएडा अप एंड डाउन कर रहे हैं या नोएडा से गुड़गांव कर रहे हैं। आप कैसे यूज करते हैं इसको? अभी तो ऑफिस लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा, बस गाड़ी खड़ी रहती है। नहीं, खड़ी होती तो 5000 कैसे चलती 4 महीने में। अच्छा, लॉन्गेस्ट टूर आपने कितना मान लिया भाई इसके साथ? इसके साथ मैंने अभी 300 किलोमीटर के मारी मोहाली की ट्रिप, कसौली की ट्रिप। अच्छा भाई एक बात जेन्युइनली बताना, डर तो लगता होगा कहीं बीच में अगर धोखा दे गई चार्जिंग खत्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत तो होगी, देखो आप ये मान के चलो कहीं पेट्रोल मिले ना मिले आपको इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी मिल जाएगी, बिजली तो कहीं भी मिल सकती है ना। हाँ, मिल जाएगी किसी भाई बंधु से, किसी क्या कहते हैं मान लो किसी ढाबे से बोल दो कि भैया थोड़ी देर चार्ज करनी है। तो ढाबे पे ऐसा नहीं है ना कि भाई उनका ऐसा हो जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो जाए, ऐसा भी नहीं होता कई बार? इसके लिए देखो जुगाड़ करके चले यहाँ पर, आपने कर रखा है वो? हाँ, इसके लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, सो वायरिंग वगैरह ना सब
सारा सेटअप सेटअप करके रखा हुआ है। अच्छा, ये अपना कनेक्ट कर दो दूर से और अपना ये ठीक है। हाँ, सो एक्चुअली ये वायर भी काफी लंबी है वैसे तो, ये 5 मीटर लंबी वायर है और 20 मीटर की वायर मैंने इसके अंदर रख रखी है। अच्छा, जिससे फिर ठीक है, फिर ढाबे वगैरह पे फिर ऐसे तो हेल्प मिल जाएगी। हाँ। लोग कर देते हैं हेल्प ऐसे, आपने आज तक आपके साथ ऐसा हुआ? अभी तो जरूरत नहीं पड़ी। बाकी अभी ये ऐसा इंटीरियर है भाई इसका, भाई अभी जैसे एसी ऑन, अभी गाड़ी ऑन है अपनी? हाँ, अब ऑन है, यहाँ रेडी आ गया, ऑन है गाड़ी। ये देखिए भाई रेडी आ रहा है भाई, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल मतलब जो कहते हैं कुछ भी आवाज नहीं। और एसी चलाना है इसका, खड़ी गाड़ी पे एसी कैसा बढ़िया काम करता है, पूरा चिल कर देता है केबिन को, जैसा कि इलेक्ट्रिक है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा चिल तो नहीं, खड़ी पे ज्यादा चिल नहीं करता, चलती ज्यादा चिल करता है। अच्छा, खड़ी पे जैसे आइडल खड़ी है तो चिल नहीं करेगा अभी? बहुत ज्यादा चिल नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, चलने पे ज्यादा चिल करता। बाकी अब बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस तो ऐसा है भाई कि मुझे लगता है किया सेल्टोस को ड्रैग रेस में पीछे कर देगा। ऐसा क्या करें क्या फिर कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मतलब परफॉर्मेंस वाइज आप कह रहे हो बहुत बढ़िया पिकअप वगैरह है। एग्जैक्टली, आप बैठे हो, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल ड्राइव मोड, ये ड्राइव मोड है, तो ये समझ के चलो इको मोड है, सो इसमें इतनी परफॉर्मेंस आएगी नहीं, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ से दबाऊं जोर से भी तो गाड़ी आराम से चलेगी। जो नेक्सॉन ईवी आपको निकाल के देती है, लेकिन यार स्पोर्ट्स मोड में डर रहता होगा भाई कि अब चार्जिंग 100 किलोमीटर चलती होगी उसमें, तो बस ये स्पोर्ट्स मोड में एक बार 100 पहुंचा के उसे 100 पे रखो। मैं आज अरुण भाई के थ्रू लोगों को लंबी रेंज का तरीका बता देता हूँ। बताओ भाई, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है अरुण भाई। आज मैं टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा इस गाड़ी की। जरूर भाई, जो कि शायद टाटा वाले भी जल्दी से नहीं बता रहे, ठीक है। सो आज हम चलेंगे टेक्निकल डिटेल्स पे, ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, दो चीजों को अगर आप ध्यान दोगे, ये एवरेज वाट आवर पर किलोमीटर और ये जो ग्राफ यहाँ दिख रहा है, जैसे ही आप पेडल छोड़ोगे और एक्सेलरेशन दबाओगे, ये देखो ग्राफ बढ़ने लगा, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली बताता है ग्राफ कि आपकी गाड़ी कितनी कंज्यूम कर रही है बैटरी। अच्छा, तो ये ग्राफ जितना ऊपर जाएगा समझो कि आपकी बैटरी उतनी ज्यादा खप रही है। तो ये ग्राफ आप 70 के स्पीड पे भी ऐसा हो जाएगा कि 70 के स्पीड पे ग्राफ नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, सो आपका उस टाइम रेंज अच्छा आ जाएगा। वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। उसमें ये करना है कि एक बार आपकी गाड़ी की स्पीड 70 पहुंच गई, 80 पहुंच गई, सो आप कोशिश करो कि पैडल वहीं के वहीं स्टिल रखो। अच्छा। जितना ज्यादा पेडल स्टील रखोगे आपकी माइलेज आपका रेंज उतनी सही आएगी। अच्छा, हाँ, इसमें यह है कि आप एक्सेलरेशन से जितने कम पंगे लो आपका एवरेज उतना ही सही बन के रहेगा। हाईवे पे जाते हो, एक बार 70 पहुंचा लो, 80 पहुंचा लो, उसको रखे रहो, जितनी देर तक रखे रहोगे उतने स्वीट स्पॉट पे गाड़ी चलेगी, आपकी रेंज 250-300 भी आ जाएगी। इस गाड़ी को मैंने 40 किलोमीटर चलाया हुआ है, 13% में 40 किलोमीटर चलाया हुआ है, प्लस 70% में 200 किलोमीटर चलाया हुआ है। अच्छा भाई, अभी इस कार में जैसे बैटरी आ रही है तो कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है? हाँ, कुछ खर्चा नहीं है इसमें। तो आज तक आप तो सर्विस सेंटर विजिट किया है आपने? हाँ, सर्विस सेंटर ये गाड़ी आती है अपडेट्स के लिए। कैसे अपडेट्स? मतलब ये गाड़ी एक तरह से जो भी चलती है इसमें कि कितने एक्सेलरेशन पे कितना पावर आना चाहिए, कितना रीजन होना चाहिए, ये सारी चीजें अब सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होती है। अच्छा, हाँ। सो इससे पहले क्या था कि टाटा वालों ने रीजन बढ़ाया हुआ था रेंज बढ़ाने के चक्कर में, सो उससे क्या हुई कि ड्राइव की क्वालिटी घट गई। फिर अभी रीजन बढ़ा दिया ताकि ड्राइव की क्वालिटी अच्छी रहे और रेंज पे भी बहुत ज्यादा। रीजन क्या? रीजन होता है, मैं दिखाता हूँ, आप इधर ले आओ, यहाँ देखोगे तो रीजन लिखा होगा। एक सेकंड, हाँ, यहाँ देखोगे रीजन लिखा होगा। मैं रीजन लाइव दिखा देता हूँ। अभी सपोज गाड़ी चल रही है, ये है, अभी देखो ये ग्रीन चल रहा है तो इको मोड है। जैसे ही मैं एक्सेलेरेटर से पैर हटाऊंगा वैसे ही रीजन हो जाएगा। देखो नीचे की तरफ आ गई ना, ये रीजन है। रीजन का मतलब ये कि गाड़ी की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको ये बैटरी में स्टोर कर देगा एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, हाँ। सो आप डाउन हिल चलते हो तो आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। सपोज करो कि आप शिमला चले गए, शिमला आप पहुंच गए 40% पे, लेकिन जब शिमला से आप नीचे आओगे तो आप मान के चलो कि आपकी गाड़ी 60% तक चार्ज हो जाएगी, 20-25% एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगी। अच्छा, सो खड़ी आप ये मान के चलो 100-150 किलोमीटर आप चले भी जाओगे और आपकी गाड़ी चार्ज भी हो जाएगी।
और अगर बीच रास्ते में बंद हो गई तो कुछ टाटा की तरफ से हेल्प होती है इस चीज में? हाँ, टाटा की तरफ से आरएसए 6 RSA फ्री है अभी के टाइम पे। अच्छा, इसमें भी लिमिटेड है ये 6 RSA है। हाँ, इसके बाद पेड है। बाकी ड्राइविंग क्वालिटी कैसे भाई? सस्पेंशन राइड मतलब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो देख लो, खुद बताएंगे अरुण भाई अभी। बाकी वो तो सब सेम ही होगा ना, जैसे हाँ, पेट्रोल डीजल हाँ, में तो बढ़िया ही है जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है इस कार के नॉर्मल। बस इसमें वो ये अपना इंजन हटा के इन्होंने बैटरी डाल दी हाँ। और जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ पहली आने वाली ये कार है। तो भाई अभी तक अपना अप्रैल आ गया है, कोई रिग्रेट अभी तक अपना 4-5 महीने में? कोई रिग्रेट नहीं भाई, कोई जीरो रिग्रेट्स, फुल अपना फुल सेटिस्फाइड कार के साथ भाई। 5,000 किलोमीटर में आप मान के चलो कि 30,000 रुपए बचा लिए मैंने। अच्छा, आप ये सोचो कि 5,000 किलोमीटर में कितने की पेट्रोल फूक जाती है। ये भी तो रहता है टाइम के साथ जो बैटरी अपनी ये इसकी लाइफ कम होती जाती है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह की हम देखते हैं। हाँ, तो मोबाइल के बैटरी से इसकी बैटरी काफी अच्छी है, हाई क्वालिटी की है। सो टाटा वाले खुद 8 साल की वारंटी दे रहे हैं। वो वारंटी किस चीज की है अगर लाइफ कम हो गई या? हाँ, वो वारंटी है आपके रेंज की। मान लो आपकी बैटरी है अभी मान लो कैसे भी 200 की रेंज अगर दे रही है मान लो, तो टाटा वाले कहते हैं कि 30% तक रेंज डिग्रेड अगर 8 साल में हो रही है तब तक तो रिप्लेस नहीं करेंगे। सो आप मान के चलो 30% तो 150 किलोमीटर हो गए करीब करीब। सो अगर 8 साल के बाद भी अगर 150 किलोमीटर की रेंज नहीं आ रही तो टाटा वाले आपकी बैटरी रिप्लेस करेंगे फ्री में। जब आप चलते हो मार्केट वगैरह में या रोड पर तो लोगों के कैसे रिएक्शन रहते हैं भाई ये देख? सारे लोग, आपने जो कॉमन क्वेश्चन पूछे कितने टाइम में चार्ज होती है, कितना रेंज देती है, यही सारे कॉमन क्वेश्चन सारे लोग पूछते हैं। और फिर लोग ये पूछते हैं कि पहाड़ों पे चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी। हाँ, ये भी बताओ अगर जैसे अपना कोई मान लो ऐसा स्लोप आ गया है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें हील असिस्ट है ऑलरेडी। इसमें पावरफुल है कार, बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाकी ये जो आवाज है भाई ये भी एसी की होगी जो ये आवाज कर रही है? बस एसी भी ऑफ कर दे तो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है कार, पता भी नहीं चलता। जैसे आपने स्कूटर से बाइक्स देखी होंगी ना इलेक्ट्रिक, ऐसी आवाज आती है इसमें हूं करके जब हम एक्सेलरेट करते हैं। ये भाई इसकी पूरी मोटर यहाँ पे लगी हुई है, जो इसकी बैटरी है वो कार के नीचे है, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये पूरी मोटर है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखता है। इस पे जो लोन है इस पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके लोन के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा। कितना? 1.5 लाख तक का जो भी आपका इंटरेस्ट है 1.5 लाख के नीचे, वो एक अलग कैटेगरी है ATEEB इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो आपके टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब अभी ये कार जैसे आपको लोन पे लिया आपने? ये नहीं, ये तो फुल कैश लिया है। बाकी अगर आप इसको लोन पे लेते हैं तो उसमें ही फायदा मिलता है भाई के अकॉर्डिंग? तो भाई इफेक्टिवली आपका 6% के आसपास पड़ जाता है लोन से। तो आप आज की तारीख में किसी को सजेस्ट करते हो भाई कि वो नेक्सॉन ईवी के लिए जाए? अगर किसी की हाईवे ड्राइविंग साल में मान लो 5 या 6 बार ही है तो ये गाड़ी बेस्ट है। हाँ। या किसी के पास एक कार है ऑलरेडी डीजल वाली या पेट्रोल वाली, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। कहीं भी लोकल जाओ 200-300 किलोमीटर तक, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से जयपुर जाना भी बहुत आसान है भाई। अगर आपका प्लान बन गया कि चलो यार आज यार दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, कहीं गोवा चलते हैं या शिमला चलते हैं, ज़्यादा दूर ना, तो फिर तो ऐसा लगता होगा यार मतलब नहीं जा सकती कार मेरी। शिमला तो जा सकते हैं, गोवा का सोचना पड़ेगा।